और बारिश। उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। काली काली ये घटाएं ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह। अरे 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 आधा ये क्या? खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए, अब्बा हुजूर ने देख लिया तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। तो फिर आपने मुझे आदाब क्यों किया था? आदाब ही तो किया था, यहाँ बुलाया थोड़ी था। तो फिर आपने मेरे चेहरे पर अपनी रेशमी जुल्फों से प्यार की शबनम क्यों बरसाई थी? अच्छा बाबा, कुसूर हुआ, माफ कर दीजिए। लीला यहाँ से चले जाइए, मुझ पर बड़ा करम होगा। करम? करम की उम्मीद लेकर तो मैं यहाँ आया। बखुदा अब सब्र नहीं होता, जल्दी कहीं मिलने की सूरत निकालिए, वरना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ऐसे न कहिए, मरे आपके दुश्मन। तो फिर जिंदगी की भीख दे दीजिए, वादा कर लीजिए आज शाम को आप मुझसे जरूर मिलेंगे। आज? आज शाम को तो मैं बिल्कीस की बहन की मंगनी में जा रही हूँ। तो फिर कल शाम को सही, परसों शाम को सही, जिंदगी की किसी हसीन और रंगीन शाम को सही, मगर वादा कर लीजिए। हाय अल्लाह, आप तो बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं। मुझे दीवाना आप ही ने बनाया है बानो। मैंने? गलत, झूठ। जी हाँ, सलमा की शादी पर पान में मिर्चे किसने खिलाई थी मुझे? रजिया के हाथों रुमाल का तोहफा किसने भिजवाया था? फखरू मियाँ की सालगिरह पर अचानक मेरे सामने कौन आ गया था? आपने तो कुछ भी नहीं किया साहब, बस मैं तो यूं ही दीवाना हो गया हूँ। अच्छा हुजूर, कान पकड़ती हूँ, तौबा करती हूँ, अब ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं हो। सुभान अल्लाह, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय जूद पशेमा का पशेमा होना। पी करीम आल। हाय अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर आ गए, भागिए जल्दी से भागिए। अरे अरे अरे, वहां से नहीं, इधर से। मगर मुलाकात कहाँ होगी? अब्बा हुजूर ने देख लिया तो जन्नत में। जाइए जल्दी, जाइए जाइए, झुकके झुकके झुकके। देखो यूसुफ मियां, ये शरीफों का मोहल्ला है, अगर कोई देख लेता तो जड़ से कट गई होती मेरी नाक। अम्मा मुझे ही देखो ना, इतना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए, कसम ले लो जो उस तरफ कभी आंख उठाकर भी देखा हो। अम्मा हम तो हम, ये हमारे मुर्गे दिलावरी को लो ना, 1.5 साल का पट्टा है, जवानी फूटी पड़ती है। करीमन की मुर्गी रोजाना आकर कुट कुट करती है, फुदक फुदक कर रिझाती है, ठोंगे मारती है, मगर क्या मजाल है जो दिलावर पिघल गया हो और चोंच से चोंच तक मिलाई हो। अमा ये है शराफा के तौर तरीके। अब फरमाइए, मुर्गा आपसे बेहतर हुआ कि नहीं? अमा बस करो यार, क्यों जलील करने पर तुल गए हो? हो गई जिंदगी में एक गलती। अच्छा सच सच बताओ कि ये सिलसिला शुरू कब से है? तुमसे क्या छुपाओ यार, पान खाने का तो वाकई बहाना था, उन्हीं की कशिश खींच लाती है। आज इतना बेकाबू हुआ कि छत पर पहुंच गया। खुशकिस्मत हो बच्चों का सुल्तान मियां ने नहीं देखा, बुढ़ा सीधा जरूर है लेकिन गैरतमंद इतना है कि तुमको भी जान से मार देता और खुद भी मर जाता।